लाए हो? ये मैं मैंगो का आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। देखो ये मैंगो को मैंने ऐसे क्रश कर दिया हुआ अभी डाल दिया है, और ये तीनों को ऐसे देखो मम्मा मुझे कुछ यम्मी लग रहा है, इसको लगा देती हूँ थोड़ा। इसको 5 फ्रीजर में दोपहर तक रखना है, फिर दोपहर में निकाल के खाना। अभी एक एक डिफरेंट तरीके का और बनाऊंगी मैं, वेनिला। ये जो है ना, इस वेनिला को हाफ वो और स्टिक है ना उसमें मम्मा ये करेगी, हाफ उसमें वेनिला डाल देगी, हाफ मैंगो, तो वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन बना। तो अभी जब वो बनाती हूँ तब फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। देखो ये वेनिला, थोड़ा सा वेनिला डालेंगे, वेनिला प्लस मैंगो। अरे ये तो वो बेकरी शॉप में मिला था मम्मा, तुम वो बना रहे हो? हाँ, ये तो उसी टाइप से। ओह माय गॉड, मैं तरस रहा हूँ इसको खाने के लिए, कब तक बनेगा मम्मा? इसको आज दे देंगे तो कल जब हम लोग खाएंगे ये हम लोग वो बनाया है, ये वेनिला वाला है, ये पॉकेट जो आता है ना इस, ये वाला ये आप आराम से ले सकते हैं मार्केट में ही, तो मैं डिमर से लाई थी, पर ये हर जगह मिलेगा और प्राइस भी बहुत कम, 99 रुपीज में ही है। तो ये चाहो तो आप वो स्कूप वाला बना लो, या फिर मेरे तो बच्चे लोग ऐसे खाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना की जो मैंगो है इसको पीस लेना, मैंगो वाला को तो मैंगो को आप क्रश कर लो, पीस लो मिक्सर जार में। इसके बाद आपके पास ये है वाला आइसक्रीम वाला जो है उसको मिल्क के साथ, पहले मिल्क थोड़ा गर्म होना चाहिए और इसको डाल देना है। मैं किसी नेक्स्ट डे बनाऊंगी तो पूरा प्रोसेस दिखा दूंगी, अभी फिलहाल ऐसे करते हैं, किसी नेक्स्ट डे हम पूरा प्रोसेस डाल देंगे। अच्छा खुशबू आ रहा है ना गाइस, अच्छा बना तो और अच्छे से इसी दिन बताएंगे, देखते हैं। ये भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट हम भी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ये पीहू बहुत आइसक्रीम मांगती है, और बाहर के आइसक्रीम से अच्छा है कि घर का ही आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो भी फ्रेश, वो भी हाफ फ्रेश मैंगो, हाफ पुश हाफ पुश यम्मी यम्मी जाने वाला से अच्छे। और ये मिल्क भी घर का, सब कुछ घर का है, घर का सब चीज़ हेल्दी होता है, हेल्दी होता है। तो पीहू जो रोती है ना छोटू, उसको बहुत पसंद है ना आइसक्रीम आइसक्रीम। तो चलो अभी तो अभी हम इस फ्रीजर में इस आइसक्रीम को डाल देंगे, इसको पहले हम हटाएंगे, पानी रखे हुए हैं, गर्मी हो रहा है ना, बहुत गर्मी हो रही है, इसको अब हम इसको उठा के इसमें रखेंगे। मेरे में थोड़ा ये जम गया, ऐसे रख देंगे, अब ये आज ओवरनाइट रहेगा, और ये कल ध्यान से डीप फ्रॉस्ट दबावा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अभी कल जब निकालेंगे खाने के वक्त में, तब हम लोग फिर से दिखाते हैं, खाके यानी के टेस्ट करके बताएगा कि कैसा दिखाते, तब मिलते हैं, बाय बाय। गाइस मेरी मम्मा मेरी लिटिल सिस्टर का इवनिंग स्नैच कर स्नैक्स बना रही है, उसको बना दे रही हूँ वेनिला, वो भी पैनकेक में भी उसका वो फ्लेवर है वेनिला फ्लेवर। अरे ये जो ऐसा रहता है ना, ये वाला फ्लेवर जो हमारे पास है, ये तो वेनिला है। तुम इस तरह का केक खाते हैं, पर इस तरह पैनकेक भी आता है ना, हाँ फ्लेवर है, तो अभी इसको और बना दे रहे हैं, अभी वो खा लेगी। इसको बस क्या करना होता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मतलब ये कर लेना है, ऑयल ले लेना है, बटर डाल के, अच्छा, और फिर पैन जैसा छोटा छोटा सा, जिसको जैसा दो ही बना रहे क्योंकि छोटी सी है, इतना भी खा ले वही बहुत है, इसलिए इसको ऐसे डाल दिया। अब इसके ऊपर इसको ढक देना है, और उसके बाद ये जब होगा तो चेंज करना, पलट देना है, दो तो ब्राउन कलर हो जाएगा बस उसके ऊपर। बाद में दिखाते हैं क्या करके देते हैं, जब मैं सर्व करूँगी तो फिर आने के लिए दिखाएगा। ओके बाय बाय। वन साइड से पलट दिया, ओ नाइस, अब इधर साइड भी ब्राउन हो जाएगा, और बटर दे दिए थोड़ा पीयू की वजह से, उसको फिर बस ऐसे ही कर लेना है, वन साइड भी थोड़ा हो जाएगा बस। उसके बाद आप इस पे हर्लीज चॉकलेट या फिर ऐसी प्लेन खा सकते हैं, हम लोग इस पे हर्लीज चॉकलेट खा डाल के खाते हैं। तो वो तब तक मैं आने के लिए, अभी मैं गाइस पापड़ी चाट खाऊंगा, तब तक मैं इसमें ये अनियन चॉप की हूँ, मैं टोमेटो चॉप की हूँ, और ये कुछ बना हुआ पापड़ी है मेरे पास, तो हम सोचे क्या करें क्या। अभी हमने तो पापड़ी चाट खाऊंगा, और ये पापड़ी चाट बहुत अच्छा रहता है, कोई भी चीज़ खुल जाता है ना तो उसको बंद करने का हो जाता है, पर ये क्लिप ना? ये देखिए ये क्लिप एक सेट में आते हैं, इससे हम ऑनलाइन खरीदे थे इसको। नहीं नहीं ये डीमार्ट में ये भी मिलता है, डीमार्ट में बहुत चीज़ मिलता है गाइस, अब एक बार डीमार्ट अगर आप गए तो अभी आपको ये सब जरूर पता होगा, ऐसे हर शॉप पे अब मिलने लगा है, तो ये थोड़ा सा उसको पापा चाट डीमार्ट में अच्छा क्वालिटी है। तो ठीक है, अब इन लोग को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए गाइस, मैं इसका पापड़ी निकाल दे रही हूँ,
याद आया कि क्या बनाओ क्या बनाओ, तो फिर याद आया कि यानी कि पापड़ी बहुत पसंद है। एक बात तो टाइम हवा लग जाएगा ना, तो ऐसे कर देंगे किसी भी चीज़ को और इसको करके ये ऐसे कर देंगे बस। तो अब ये बिल्कुल हवा नहीं लगता है, देखो कितना मतलब पैनकेक को ऐसे भी खा सकते हैं वो आपके ऊपर, आपको कैसे खाना? ये दो है, यदि और ज्यादा चाहिए तो थ्री फोर लेयर लगा के ऐसे ले लगा के। आपको पता है कैसे खाते? पहले ये लगा दी ना, फिर जो चॉकलेट हर चीज का लिक्विड डालते वो डालते हैं, चॉकलेटी पैनकेक हो गया। छोटी सी है ना ये, इसके लिए ये थोड़ा सा है तो कट कर देती हूँ क्योंकि ये छोटू है, और इसके ऊपर हल्का सा हर्लिस चॉकलेट स्प्रेड जो की है मेरा फेवरेट। गाइस आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब मैं नाइट को दूध पीता हूँ तो मिल्क, तब मैं इसको कभी कभी डाल के पीता हूँ। यम्मी यम्मी पंटिया पियो का, ये तू खाएगी बैठ के, यम्मी पियो 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 मेरा पियो का। अभी मैं पियो को देख के आता हूँ। पियो ये देखो तुम्हारा टेस्टी टेस्टी पैनकेक, कैसा लगा बेटा? यम्मी लगा, चलो खाओ, उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है? फ्यू का प्ले टाइम होगा, फ्यू कॉम भी नहीं किया, अब इसको तैयार करूंगी। और ये रहा आनी को, ये बहुत पसंद। हाँ पड़ी फ्रॉक, अच्छा वो बाद में देखेंगे कौन सा ड्रेस पहनोगी, ग्रे? हाँ ठीक है, ग्रे वाला पहन लेना, ठीक है चलो। और अनिकेत तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? ठीक है चलो, खाने वाले बात नहीं करते हैं, अभी इनको फिनिश करने देते हैं, अभी हम थोड़ा चाय पी लेते हैं, पहले अगरबत्ती भगवान जी को सांझ बाती इवनिंग में देते हैं वो दे दिले, उसके बाद मिलते हैं हम लोग नाइट में। चलो बाय, बाय कर दो, ओके चलो बाय बेटा। मम्मा ने पूछे कि अपना सरप्राइज दे दिया, मम्मा ने पूछे मैंगो शेक दे दिया, इतना टेस्टी मैंगो शेक है ना मम्मा, हापुस का बनाएगा इस प्योर मैंगो, अभी टेस्ट करके देखता हूँ। बहुत टेस्टी है गाइस, इतना स्वीट है ना, तो चलिए गाइस जब ये खत्म हो जाता है तब मिलते हैं। तो गाइस द फन एंड्स हियर, होप यू एंजॉय द वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय, लव यू।